एक लंबे संघर्ष के बाद धनबाद में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और अभी हम जिस परिसर में खड़े हैं, यह कोयलांचल का गौरव कहा जाने वाला धनबाद का विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का नवनिर्मित परिसर है। निर्माणाधीन परिसर कहेंगे इसे, हालांकि इसका उद्घाटन राज्य सरकार के द्वारा कई माह पहले ही कर दिया गया। बिल्डिंग अब तक हैंड ओवर यूनिवर्सिटी के द्वारा नहीं लिया गया है, जिस निर्माण कंपनी को ठेका दिया गया था उनका कार्य अभी भी यहाँ पर चल रहा है। और सड़क बनाने का कार्य हो अथवा जो अन्य कार्य हैं निर्माण से संबंधित, वो तमाम कार्य अभी भी यहाँ पर किए जा रहे हैं। और चूँकि अब एक अस्थाई कुलपति यूनिवर्सिटी को मिल चुका है लंबे अरसे के बाद, तो अब आशा की जा सकती है कि बहुत जल्द इस निर्माणाधीन बिल्डिंग को पूर्ण करने के बाद इसे यूनिवर्सिटी के द्वारा हैंडओवर ले लिया जाएगा और उसके बाद यूनिवर्सिटी की जो तमाम गतिविधियां हैं यहीं से संचालित होंगी। यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से कई छात्र संगठनों ने आंदोलन किया था, विधानसभा में कई दफ़ा आवाज़ उठाई गई थी, तब जाकर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के नाम से धनबाद में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसके तहत धनबाद और बोकारो जिले के जितने भी सरकारी मान्यता प्राप्त एवं एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं सभी को इससे संबंधित इसे जोड़ा गया और इन तमाम जगहों पर आने वाले वक्त में शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और सबसे अहम बात, जो नए कुलपति नए परिसर में यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कराएंगे, फिलहाल पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो यूनिवर्सिटी का जो गतिविधियां हैं वो संचालित हो रही हैं और यहां पर जब शिफ्ट हो जाएगा और इसे हैंडओवर लिया जाएगा तो फिर से एक गौरवपूर्ण इतिहास की जो है वह शुरुआत हो जाएगी। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद।